नमस्कार। आज के इस यूसक लेक्चर सीरीज कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का यूसक परिवार स्वागत करता है। आज हमारे बीच में एफआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष नौटियाल जी उपस्थित हैं, जिनसे आप पहले भी पूर्व में भी इनके लेक्चर से लाभान्वित हो चुके हैं। आज डॉक्टर नौटियाल जी हमारे बीच में बायोडायवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन यानी जैव विविधता और इसका संरक्षण भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसे, इंडियन सिनेरियो क्या है, तो इस विषय पर आज हमें सर ये लेक्चर देंगे। हम सभी को अपनी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर नौटियाल जी आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप हमारे विद्यार्थियों को इस बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू डॉक्टर। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जैसे कि ये लेक्चर सीरीज काफी दिनों से चल रही है, कल हमने कुछ पार्ट बायोडायवर्सिटी जैव विविधता क्या है और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसके विषय पर चर्चा की थी। आज हम लेंगे कितनी टाइप की बायोडायवर्सिटी हमारे इंडिया में है और इसको संरक्षित करने के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, किस तरह के उपाय करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा देश एक 12 जो मेगा बायोडायवर्सिटी सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उसमें से एक है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास जो वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया है इट इज ओनली 2.5%, और इस 2.5% जो 2.5% हमारा एरिया है उसमें लगभग हमारे 7.5% जो है पूरे संसार की स्पीशीज जो है, तो बहुत कम भूभाग में बहुत अधिक डाइवर्सिटी हमारे पास वर्ल्ड की है। हमारे देश में 10 बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं जिनका हम अभी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। हमारे पास पहले 2 हॉटस्पॉट्स थे, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जिसमें हमारा ईस्टर्न हिमालय है जिसमें 7 स्टेट्स आते हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, आसाम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और सिक्किम है। ये 7 सिस्टर्स हम लोग कहते हैं। ये वाला जो इंटायर एरिया हमारा है ये एक हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी का ये है। दूसरा हमारा वेस्टर्न घाट्स जिसमें 6-7 स्टेट आते हैं, गोवा से लेके और केरला तक, वो वाला पार्ट हमारा जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अभी कुछ साल पहले अंडमान भी जो है बायोडायवर्सिटी, अंडमान द्वीप निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं ये भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ गए हैं। तो हमारे पास अब जो है 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। हहमारी कंट्री में लगभग 1,27,000 टोटल लिविंग स्पीशीज रिकॉर्ड की गई है और उस टोटल 1,27,000 में से लगभग 31% जो है हमारा एंडेमिक फ्लोरा है, एंडेमिक फौना है, मतलब तो इतनी स्पीशीज हमारे देश में पहले से ही और यहीं की हम कह सकते हैं है। हमारे देश में लगभग 28% जो है वो वर्ल्ड के कंपेयर में 28% ब्रायोफाइट्स हैं, 15% लाइकेंस हमारे देश में होते हैं वर्ल्ड के टोटल स्पीशीज में से, 21% के करीब फंजाई हैं, 16% एल्गी हैं और 13% जो है वो बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस, एंड 12% के करीब फिशेज हैं। ये लगभग हमारा वर्ल्ड का के कंपेयर में हमारा फ्लोरा और फौना है। हमारे पास जो बेबेलियन सेंटर्स हैं वो 2 आउट ऑफ 8 बेबेलियन सेंटर्स जिनको कि हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स मानते हैं, तो ये जो 2 हमारे यहाँ बेबेलियन सेंटर्स हैं ये 8 में से, वो बहुत बड़ी बात है। और लगभग 20 जो हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं उसका ओरिजिन भारत से हुआ है। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है इसमें 20 क्रॉप्स हमारी कंट्री से कंट्रीब्यूशन है या हमारी कंट्री से है।
सेंटर ऑफ ओरिजिन में लगभग 32 से 50 हजार वैरायटीज जो है वो राइस की, पिजन पी की, मैंगो की, टर्मेरिक की, जिंजर की, शुगर केन की, कार्डेमम एंड कोलोकेजिया की, ये हमारे देश में ओरिजिन इनका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी रिच डाइवर्सिटी है। 350 जो है वो कल्टीवेटेड मेजर एंड माइनर क्रॉप्स एंड 326 वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर फ्रॉम इंडिया। 75% ऑफ वर्ल्ड प्लांट बेस्ड ड्रग्स केम फ्रॉम इंडिया, इंडियन प्लांट बायोडाइवर्सिटी। आप सभी जानते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स का और हमारा आयुर्वेदा में जो है वो बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। आयुर्वेदा हमारा बहुत ही पुराना, वेद और पुराणों से लेके हम लोग प्लांट्स पे मेडिसिन के परिप्रेक्ष्य में काम करते आए हैं। और जो वर्ल्ड्स की आज जो प्लांट बेस्ड ड्रग्स हैं उसका 75% जो है वो इंडियन प्लांट बायोडाइवर्सिटी से उसका जन्म हुआ है। वो हमारी कंट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को वर्ल्ड से कंपेयर करें तो आप देखेंगे ये स्लाइड में जैसे दिखाई दे रहा है, हमारा एंजियोस्पर्म जो है वो लगभग 7% हमारे कंट्री में है पूरे वर्ल्ड के। जिम्नोस्पर्म 7.38% है। टेरिडोफाइट्स लगभग 12% है। ब्रायोफाइट्स 28.57% है। लिवरवर्ट्स जो है वो 11% है। लाइकेन्स 14%, फंजाई 20%, एल्गी लगभग 16% और बैक्टीरिया 10.55%। वायरसेस की अभी जो है कोई रिकॉर्ड हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है कि कितना परसेंट हमारे पास वायरल डाइवर्सिटी है। तो ये साइजेबली दिस इज वेरी गुड एज कंपेयर टू आवर लैंड एरिया विद द वर्ल्ड। अब अगर हम जो हमारा इंडिया का अगर हम एनिमल्स या एनिमल किंगडम से कंपेयर करें तो जो प्रोटिस्टा है वो 8.4% है। मॉलस्क जो है वो 7% है। एंथ्रोपोड्स करीब 5.67% है। अदर इनवर्टिब्रेट्स आर अराउंड 9.56%। प्रोटोक्लोरिडा जो है वो 5.34% है। जो फिशीज हैं या जो फिशेज हैं वो 11% हैं हमारे कंट्री में वर्ल्ड के कंपेयर में। एम्फीबिया 4% है। रेप्टाइल्स जो है वो अराउंड 8% और जो बर्ड्स हैं दे आर 12.69%। मैमेलियन जो मैमेलिया है स्तनधारी प्राणी जो है वो है 8.3%। तो इस तरह से टोटल अगर हम एनिमल वर्ल्ड को लें तो इट कम्स अराउंड 7.36% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वी हैव एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स इन द कंट्री। द फर्स्ट इज ट्रांस हिमालया जिसको हम कोल डेजर्ट कहते हैं और उसकी वेजिटेशन जो है वो कुशन या भूसी शेप में होती है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड। और उसमें जो भी हमारी अगर ट्री वेजिटेशन कहीं पे दिखती है वो अलोंग विद द वाटर चैनल्स है, बाकी मोस्टली डेजर्टेड है, बैरन रॉक्स हैं। और जो वेजिटेशन है वो जनरली पेरिनियल है, मीन्स शूट कम डेवलप है रूट के कंपेयर में। तो रूट जो है वो काफ़ी स्टोरेज फूड का अपने पास रखती हैं ताकि फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो कर सके और प्लांट को जो है वो सपोर्ट मिल सके। तो ये जो ट्रांस हिमालया है ये हमारे देश में JNK में है और हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो ये जो कोल्ड डेजर्ट पार्ट है हमारा वो ट्रांस हिमालया कहलाता है।
उसके बाद हिमालय में जो वेजिटेशन है उसमें परमानेंट स्नो लाइन है 16,000 फीट से ऊपर, उसके बाद 16,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पे एल्पाइन मीडोज हैं हमारे, एल्पाइन वेजिटेशन है जो जनरली पेरिनियल ग्रासेज एंड हर्ब्स है, श्रबी भी कुछ रोडोडेंड्रॉन एंड जूनिपेरस की कुछ श्रब्स होती हैं, पर दे आर जस्ट लाइक क्रीपर्स, ज़्यादातर एल्पाइन मीडोज हैं। 10,000 फीट से नीचे और 6,000 फीट तक हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और इस तरह से ये जो फॉरेस्ट और एल्पाइन मीडोज हमारे हिमालयन इकोसिस्टम में आते हैं, हिमालयन बायोजोग्राफिकल जोन में आते हैं। फिर हमारे पास हॉट डेजर्ट भी है, जो राजस्थान वाला एरिया है, पार्ट ऑफ गुजरात है, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, वो जो है हॉट डेजर्ट वाला या सेमी एरिड एंड एरिड जोन जिसको हम कहते हैं, तो जो डेजर्ट वाला है उसमें बहुत बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल एंड लो मॉइस्चर सैंडी एरिया है, तो उसमें स्कैंटी वेजिटेशन होती है, बिल्कुल ड्वार्फ वेजिटेशन होती है, सिमिलर टू द कोल्ड डेजर्ट। उसके बाद हमारा आता है सेमी एरिड जोन जिसमें कि कम ड्राई है लाइक कंपेयर टू हॉट डेजर्ट, पर दैट इज ऑलमोस्ट अ ड्राई कंडीशन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर एंड समर्स। उसमें डेसीडुअस फॉरेस्ट है मेनली, और डेसीडुअस का मतलब ये है कि एक्सट्रीम विंटर्स में या समर्स में ब्रॉड लीव जो है अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस ना हो, तो ये डेसीडुअस फॉरेस्ट हमारे जनरली सेमी एरिड जोन में है, और इसमें ओपन स्क्रब एंड सवाना फॉरेस्ट भी कुछ पार्ट में इसमें इंडिया में आते हैं। गेंजेटिक प्लेन में मोस्टली मानसून डेसीडुअस फॉरेस्ट है। उसके बाद वेस्टर्न घाट आते हैं जिसमें एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसमें सोला वेजिटेशन भी इसमें आती है जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो डकन पेनिसुला है वो जनरली ड्राई है, तो उसमें ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट है, स्क्रब जंगल। स्क्रब का मतलब होता है कि बहुत कम ट्रीज, मेनली श्रब्स एंड दैट टू स्कैंटी दूर दूर फैली हुई वेजिटेशन। फिर कोस्टल जोन आता है, कोस्टल जोन में हमारे पास समुद्र का किनारा वेस्ट से लेके ईस्ट तक काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिसमें कि मैंग्रोव वेजिटेशन है, स्वाम्प फॉरेस्ट हैं एंड पाम्स हैं। इसमें कई एरिया जो हैं वो समर्ज्ड एरियाज हैं, और हमारी जो कोस्टल एरिया जो है आइलैंड भी हमारे पास काफ़ी हैं, तो वो कोस्टल जोन में भी बड़ी इंटरेस्टिंग वेजिटेशन हमारी अलग से है। नॉर्थ ईस्टर्न जोन हमारा जो आता है, जो इंडिया चाइना एंड इंडोनेशिया के साथ लगा हुआ है, वो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सब अल्पाइन, उसमें हर तरह का जो है फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। उसमें ऑर्किड्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बैम्बू बड़े इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बैम्बू का जो जर्मप्लाज्म है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसमें बहुत है। और जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम में मैक्सिमम हमारी जो है रोडोडेंड्रॉन स्पेसीज वहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा हमारा दसवां जो है वो आइलैंड का जो है वो हमारे पास अंडमान आइलैंड्स हैं, जिसमें मेनली मैंग्रोव वेजिटेशन है, और इसमें टाइडल फॉरेस्ट है, समर्ज्ड और स्टैंड वेजिटेशन है इसमें हमारी है। तो ये इस तरह से मोटे मोटे तौर पर हमारे पास 10 बायोजोग्राफिकल जोन्स हैं, और उनकी वेजिटेशन अलग अलग है। ये जैसे कि आपको नक्शे में दिखाया गया है कहाँ कहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन हमारे कंट्री में है। कुछ जो है मैंने आपको अभी अपने देश की जो वेजिटेशन है और जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है उसके कितनी रिचनेस हमारे कंट्री में है कंपेयर टू द वर्ल्ड, उसके बारे में हम लोगों ने देखा और सुना और बताया। अब हम आते हैं कि कंजर्वेशन जो इसकी जैव विविधता के संरक्षण की बात है,
वो कैसे की जाए, क्यों की जाए और ये संरक्षण है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है पहले कि जैव विविधता हमारे कई तरह से हमारे काम आती है और बिना उसके हम लोग नहीं रह पाते हैं, क्योंकि भोजन से लेके, वस्त्र से लेके, आवास से लेके, दवाइयों से लेके और हर तरह की जो हमारी जीवन को चलाने की जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं वो जो है बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। चाहे वो मीट हो, मिल्क हो, ऊन हो, किसी भी तरह की कोई कमोडिटी हो, दैट कम्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। तो उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी, क्योंकि तो उनकी इकोलॉजिकल सर्विसेज भी हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम को चलाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए भी हमको बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो हैं वो मुख्य उसके 5-6 कारण हैं, जिसमें कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन था, जिसमें कि जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्पीसीज था, जिसमें कि और एंडेमिक दूसरी इन्वेजिव स्पीसीज का घुसना था, उसमें इन्वेजन था, शिफ्टिंग कल्टिवेशन था और जो है इस तरह के और मुख्य जो है वो 4-5-6 कारण मैंने आपको गिनाए थे। तो उनको कैसे हम जो है अपनी प्रजातियों को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उसको क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि वो हमारे हर स्पीसीज हमारे काम की है और जिसको कि आज हम बेकार स्पीसीज समझते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, हो सकता है कल उसमें कोई ऐसा जीन निकल जाए या कोई ऐसी करेक्टर निकल जाए या कोई ऐसा क्वालिटी निकल जाए जो कि हमारे बहुत बड़े काम की सिद्ध हो, क्योंकि अभी सारी चीज़ें हमको ज्ञात नहीं है। अभी ये भी वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरी स्पीसीज भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, अभी बहुत सारी स्पीसीज हैं माइक्रोब्स वगैरह की जो अनआइडेंटिफाइड हैं या जो हमको पता नहीं है। तो जो कंजर्वेशन वाली, जहाँ पर उनको संरक्षित करने वाली बात आती है, दोनों प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, उसके लिए हमारा देश क्या कर रहा है या हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें दो तरह का मेनली कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं। एक है इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब जहाँ पर जो स्पीसीज या जो प्रजाति हो रही है उसको वहीं पर कंजर्व करना, उसके हैबिटेट में ही उसको कंजर्व करने की बात जब हम करते हैं उसको हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। दूसरा होता है कई बार वहाँ पर हम कई कारणों से किसी प्रजाति को अगर हम नहीं नेचर में या उसके हैबिटेट में कंजर्व कर पा रहे हैं, तो वो हम जब उसको कैप्टिविटी में या अपनी निगरानी में उसकी हैबिटेट से बाहर जब कंजर्व करते हैं तो उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन के लिए हमारे पास जो है वो कुछ भारत सरकार ने लगभग 5% ऑफ आवर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो अंडर नेचुरल कंजर्वेशन के रूप में या हैबिटेट कंजर्वेशन के रूप में हमारे पास है, और जिसमें कि 15 के लगभग हमारे पास 22 पर रिजर्व्स हैं, 92 नेशनल पार्क्स हैं, लगभग 540 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 28 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, 28 के करीब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और 25 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट कहते हैं जो हमारी वेटलैंड्स हैं, जो चाहे पूल हैं चाहे लेक्स हैं, जहाँ पर पानी है, उस तरह के साइट्स हमारे पास 25 हैं। तो इस तरह से हमने वाइल्ड लाइफ को और अपने प्लांट्स को नेचर में कंजर्व करने के लिए ये एफर्ट्स हमारी कंट्री ने किए हैं, और ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा जो है वो मेनली इनको देखता है, जो फैक्टर करता है, इसके लॉज हैं, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें बहुत नहीं के बराबर परमिट है, लोगों की एंट्री इसमें बंद रहती है ताकि नेचर के हिसाब से स्पीसीज वहाँ पर
कंजर्व हो सके, ग्रो कर सके। और सबसे मुख्य बात जो इन सिटू कंजर्वेशन में होती है वो ये है कि इन सिटू कंजर्वेशन में प्लांट्स को विकास करने का नेचर में मौका मिलता है, क्योंकि जो विकास है किसी भी पौधे का, जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन की प्रोसेस जो है नेचर में चलती रहती है, नई नई तरह के जीन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स होती हैं, और जो प्राणी है वो विकसित होता है और अन्य प्रजातियां विकसित होती हैं, कुछ लुप्त होती हैं। तो नेचर कंजर्वेशन इज द बेस्ट, कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कंजर्वेशन। और इसके लिए 5% लैंड एक्सक्लूसिवली हमारी गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए रखी है। दूसरा आता है हमारा इसका एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि हम किस तरह से किसी प्रजाति को दूसरी जगह उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके दूसरी जगह कंजर्वेशन करते हैं। उसमें मोस्टली आते हैं फील्ड जीन बैंक का मतलब ये है कि जब हम किसी भी प्रजाति की डाइवर्सिटी, पूरी की पूरी डाइवर्सिटी डिफरेंट जगह से जो उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वहाँ से कलेक्ट करके एक जगह पे उसको इस्टेब्लिश करते हैं। पर्टिकुलरली ट्रीज के केस में, जो पेरिनियल ट्रीज हैं, क्योंकि ट्रीज की लाइफ बहुत लंबी होती है, 100 साल, 2 साल, 500 साल तक भी जा सकती है, 1000 साल तक भी जा सकती है। तो एक बार अगर आप ट्रीज की डाइवर्सिटी, एक ही स्पीसीज को चाहे ले लो, उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको एक जगह अगर आप इकट्ठा करके क्लोनिंग करके लगा देते हैं, चाहे वो क्लोनल सीड बैंक हो, चाहे वो प्रोविनेंस बैंक हो, या सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड हो, और इस तरह की जो एक्टिविटी है, जो फील्ड में आप जब किसी भी डाइवर्स जर्म प्लाज्म को किसी भी प्रजाति का एक जगह इकट्ठा करके लगाते हैं तो वो फील्ड जीन बैंक कहलाता है। और इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनका जीन बैंक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जगह जगह हमारे जो कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज हैं इसका जगह जगह जो है फील्ड जीन बैंक बनाए हैं। उसमें पूरा डाइवर्सिफाइड जो उसका जर्म प्लाज्म है उसको एक जगह पूल करके रखा गया है, और वो जो है वो बेस है हमारा ब्रॉड जेनेटिक बेस जिसको हम कहेंगे, उसी पर आधारित जो है फिर ट्री इम्प्रूवमेंट के आगे के काम होते हैं। एक पर्टिकुलर जीनोटाइप को पर्टिकुलर करेक्टर के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको फिर जो है साइंटिस्ट अपना हाइब्रिडाइजेशन करके डिफरेंट जो है वो हाइब्रिड्स बनाते हैं और तरह तरह के ब्रीडिंग वर्क उसमें होते हैं। तो वो जो फील्ड जीन बैंक्स हैं वो देश में बनाए गए हैं, कई स्पीसीज के लिए बनाए गए हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट एक्सिटू कंजर्वेशन मेजर एक हमारे देश में। दूसरा आता है सीड जीन बैंक। ये चूंकि बहुत सरल और सही तरीका है डाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, क्योंकि जो एनुअल्स हैं और जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनका फील्ड जीन बैंक बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए कि उनका रोटेशन बहुत शॉर्ट है। आप डिफरेंट लाइंस को मेंटेन कीजिए और फिर हर जो है वो 4-6 महीने बाद जैसे क्रॉप हार्वेस्ट हुई फिर नेक्स्ट ईयर यू अगेन सोई, तो वो एक बहुत लेबर ओरिएंटेड वर्क है। तो फील्ड में उन लाइंस को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, जबकि मल्टी लोकेशन ट्रायल्स में हम उनको करते हैं, पर पार्ट ऑफ दैट जो है वो सीड बैंक में रखा जाता है। और हमारे देश में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ माइक्रोब्स जेनेटिक रिसोर्सेज, इस तरह के ICR के अंडर में कई इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जिसमें कि सीड के रूप में
हमारी क्रॉप्स का, एनिमल्स का, माइक्रोब्स का यह जल प्लांट कन्वर्ट किया जाता है। तो सीड जेन बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन हमारे पास और भी इंस्टीट्यूशंस में है, पर मेनली उसका जो प्राइम इंस्टीट्यूशन है वो NBPGR है, और NBPGR में हमारे पास काफ़ी जो है वो जर्म प्लाज्म डिफरेंट क्रॉप्स का, पल्सेस का, ऑयल सीड का वहाँ पर कंजर्व किया गया है। दैट इज मेगा एक्सेटो कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ आवर कंट्री। इसके अलावा इन विट्रो कंजर्वेशन की बात हम करते हैं। इन विट्रो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि लैब में अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस हाउ टू कंजर्व अ जर्म प्लांट। इसमें बच्चों उन स्पेसीज का जिनके सीड रिकैल्सिट्रेंट होते हैं या जिसमें ट्रू सीड आपको नहीं मिलता है, जैसे पोटैटो है, जिंजर है, टर्मेरिक है, बनाना है, ये जो क्रॉप्स हैं इनका जर्मप्लाज्म हम इन विट्रो कंजर्वेशन करते हैं। इसमें जो है वो मेनली टिशू कल्चर रिपोजिटरी के फॉर्म में इसको कंजर्व किया जाता है। तो ये जो टिशू कल्चर रिपोजिटरी है इसमें एक छोटा सा पार्ट किसी भी डिफरेंट वैरायटी का जो है वो टेस्ट ट्यूब में कंजर्व करके आप डीप फ्रिज में या फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपको उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होती है थ्रू टिश्यू कल्चर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लाखों में पौधे बना सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी वेल इस्टेब्लिश्ड है हमारी कंट्री में, और ये जो है मैंने जैसे कि आपको बताया कि जिसमें सीड पर्टिकुलरली ट्रू सीड नहीं होता है, जिसमें बल्ब्स हैं या ट्यूबर्स हैं या और फ्रूट्स हैं, उस तरह का जर्मप्लाज्म जो है वो इसमें कंजर्व होता है। और ये फैसिलिटी कई इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास है, ICFRE में भी है, ICR में भी है, और जो बायोलॉजी से या कंजर्वेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें है। तो ये इन विट्रो में एक दूसरी पद्धति भी होती है जिसको कि हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये क्रायो प्रिजर्वेशन जो है बच्चों ये लिक्विड नाइट्रोजन में -198 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम किसी भी जर्म प्लाज्म को कंजर्व करते हैं तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। इसमें मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड नाइट्रोजन में जो है वो जब हम किसी भी जो प्लांट पार्ट या एनिमल जो टिश्यू है या सेल है उसको कंजर्व करते हैं वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। और ये जो क्रायो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन में हुआ है, जब हम सीमेंट को, फ्रीज्ड सीमेंट को दूर दूर रिमोट एरिया में क्वालिटी बुल्स के या क्वालिटी एनिमल्स के सीमेंट को कैरी करते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हम जानवरों की जो है वो जो उनकी उनका इम्प्रूवमेंट है उसको करते हैं, उसका उनका विकास करते हैं, और वो जो हमारी डेयरी जो फील्ड है उसमें जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया है उसमें ये क्रायो प्रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि छोटे से नाइट्रोजन सिलेंडर में कोई भी टेक्नीशियन दूर दूर तक सीमेंट रिमोट एरिया में पहुंचा सकता है एंड डोमेस्टिक कैटल्स को उसे ब्रीड करा के अच्छी वैरायटीज़ के जो काफ हैं वो जो है फिर आगे चल के बहुत अच्छी हाई यील्डिंग काउज या बफेलोज या सीप्स बनती हैं, वो उसमें इसका बड़ा रोल है। तो ये भी इन विट्रो कंजर्वेशन में ही आता है और इसकी फैसिलिटी भी हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में है, और अब तो ये बहुत कॉमन जो है वो सर्विस है एनिमल हस्बेंड्री में। इसके अलावा हमारे पास बॉटनिकल गार्डन्स हैं और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम कंजर्व करते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन्स का मेनली उपयोग एजुकेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें कि हम बच्चों को बताते हैं
कि भाई देखो जब डिफरेंट वैरायटीज के जो पेड़ हैं या पौधे हैं या लताएं हैं क्लाइंबर्स हैं वो हम एक जगह रखते हैं। और हमारे देहरादून में बच्चों जब आप एफआरआई में जाओगे घूमने के लिए तो वहाँ पर एक बॉटनिकल गार्डन है बहुत बड़ा और उसमें लगभग 425 प्रजातियों के पेड़ लगे हुए हैं पूरे कैंपस में, वो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें नाम, उसके बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, फैमिली सब लिखी हुई है। आपको पता चलेगा कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया के जितनी भी टी स्पेसीज हैं, इंडिजिनस भी एंड एग्जॉटिक भी, बाहर की भी और हमारे देश की भी, सब वहाँ पे लगी हुई है। तो ये भी एक एरिया है जहाँ पर कि हम, जिसके द्वारा हम बॉटनिकल गार्डन के द्वारा एक सेतु कंजर्वेशन करते हैं। तो ये सब मेन प्रैक्टिसेस हैं जिनके द्वारा हम अपनी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। बच्चों कुछ हमारी नेशनल स्ट्रेटेजीज हैं फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो हमारी एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसमें एक्ट्स हैं डिफरेंट, जिसके जिसमें कंजर्वेशन एक्ट भी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसके द्वारा हम जो भी उसका नियम और कानून है जिसमें कि आप जो है पेड़ जंगल में आसानी से घुस नहीं पाते हो, जंगल में कोई भी स्पेसीज को हार्वेस्ट नहीं कर पाते हो या किसी स्पेसीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हो, इस तरह की जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इन सीटो कंजर्वेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह की मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी उसमें ये चीज़ें आती हैं। नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान अब हम बना रहे हैं, जिसमें एक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर डिफरेंट पॉकेट्स में, छोटे छोटे पॉकेट्स में बनाया जा रहा है और उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। फिर है बायोडायवर्सिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, ये नेशनल एक नेटवर्क है जिसमें कि हर एरिया के हर छोटे छोटे ग्रिड में क्या बायोडायवर्सिटी है वो जो है सब वो इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है और कितनी है, ताकि हम अपना बायोडायवर्सिटी एसेस कर सकें कि कितने रिच हैं हम या कहाँ पर क्या लॉस हो रहा है। नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट हमारे देश में बन चुका है। बायोसेफ्टी एंड एसेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये बायोसेफ्टी में ये है कि हम जब भी कोई भी जर्म प्लाज्म कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करता है तो उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो बायोसेफ्टी रूल्स हैं वो अगर आप फॉलो नहीं करोगे, पकड़े जाओगे तो आपको पनिशमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है। वो जो कई बार नेचर से लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, उससे अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए जो है वो बायोसेफ्टी और जेनेटिक रिसोर्सेज एक्सेस पे जो है लोकल लोगों का उसमें जो है ज़्यादा हक होता है। और अगर कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री किसी भी स्पीसीज का एक्सप्लॉयटेशन करती है किसी एरिया की, तो उसका पार्ट जो है बेनिफिट का शेयर लोकल कम्युनिटी के साथ होता है, ये उसमें रूल्स हैं। रिवैलिडेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, जिनको कि जो स्पीसीज थ्रेटेंड है मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है एक्सप्लॉयटेशन से या किसी और वजह से, उनका रीवैलिडेशन होता रहता है कि भाई हमारे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो इस डायरेक्शन में ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, वो स्पीसीज हम कंजर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे आपने टाइगर रिजर्व्स में देखा होगा, इंडिया में टाइगर सेंसस होती है लगातार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो और जो है वो स्पीस वहाँ से स्पीसीज ही गायब हो जाए। तो जो टाइगर रिजर्व्स हैं पर्टिकुलरली उसमें टाइगर ब्रीडिंग को प्रमोट किया जाता है और उनकी पॉपुलेशन जो है बढ़े, उनकी उनको जो है किसी तरह का पोचर उन पे अटैक न करें, कैसे वो स्पीसीज प्रोटेक्ट की जाए, उसका
वैलिडेशन होता रहता है और उसका सेंसस होती रहती है। ऐसी प्लांट्स और स्पेसीज के केस में भी है, कई प्लांट स्पेसीज थ्रेटन हैं, उनको उनके कंजर्वेशन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। और कैपेसिटी बिल्डिंग इन टैक्सोनॉमी, अनफॉर्चुनेटली आप बहुत कम स्टूडेंट्स हैं हमारे जो टैक्सोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो प्लांट्स के या एनिमल्स के या जो है इंसेक्ट के टैक्सोनॉमिस्ट बहुत कम हो गए। वो बड़ा भारी एक गैप है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हमें पहले नाम तो पता हो कि ये कौन से स्पेसीज है, तभी तो उसके बारे में आगे और कुछ बात की जाएगी। तो जो टैक्सोनॉमी है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और उसमें अधिक से अधिक बच्चों को हमारे अट्रैक्ट होना चाहिए, काम करना चाहिए। कुछ इफेक्टिव मैनेजमेंट इश्यूज हैं हमारी कंट्री के, जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को आप जो है वो रिकॉर्ड करने की बात हो रही है, और उसमें बहुत सारा इसमें जो इथनोबॉटनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, कई प्लांट स्पीसीज कई तरह से लोकल लोगों के द्वारा यूज की जाती हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे मेडिसिन में हो, चाहे और हमारे कल्चरल इशू से रिलेटेड हो, तो उनको कैसे जो है वो कंजर्व किया जाए, कैसे रिकॉर्ड किया जाए। क्योंकि तो पहले जो हमारे वैद थे, जो डॉक्टर्स थे, वो उनसे लोग सीखते थे, और वो कहीं जो है बहुत कम वो इंडिजिनस नॉलेज जो है वो रिकॉर्डेड था, इसलिए वो सबके को अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो आज रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज की बात हो रही है, और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री में चल रहे हैं। इसके बाद जो पॉलिसीज डेवलप करने की बात हो रही है ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, इसमें जो वाटर और लैंड मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें उसको रिफॉर्म की बात हो रही है, जो लैंड यूज सिस्टम है उसको। क्योंकि आज उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो आज जो है वो बड़ा हमको पलायन का, माइग्रेशन का, पॉपुलेशन जो माउंटेन से माइग्रेट कर रही है टुवर्ड्स प्लेन एरिया, जो अर्बन एरियाज हैं वो खाली हो रहे हैं, जो रूरल एरियाज हैं वो खाली हो रहे हैं, जो अर्बन एरियाज हैं वो जो है डेंसली पॉपुलेटेड हो रहे हैं। इसकी वजह से दोनों तरफ इनबैलेंस हो गया है, और उस इनबैलेंस को कैसे टैकल करें, कैसे मैनेज करें, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो कैसे हम अपने विलेजेस को या अपने जो माउंटेन एरिया है उत्तराखंड का, उसमें जो माइग्रेशन है उसको जो है कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या उसको किस तरह से हैंडल करें, या क्या चीज़ है जो लोगों को प्लेन में या सिटीज में आने के लिए अट्रैक्ट कर रही है। वो चीज़ अगर हम उनको वहीं पर गांव में प्रदान करते हैं तो ये जो बैलेंस हमारा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो बना रहेगा, और हमारे गांव भी डेवलप होंगे। तो वो लैंड एंड वाटर जो मैनेजमेंट है उस पर पॉलिसीज में चेंज करने की ज़रूरत है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और जो फॉरेस्ट का रेस्टोरेशन है, क्योंकि पास्ट में जब हम ब्रिटिश रूल में थे तो फॉरेस्ट को जो है वो एक रिसोर्स फॉर मॉनेटरी रिसोर्स था, वो पैसे का एक रिसोर्स, और मेनली टिम्बर के रूप में टिम्बर ही जो है उससे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट होता था, और उसके तमाम जो है वो ऑक्शंस होते थे, बड़े बड़े जंगल काट दिए जाते थे, और उसका टिम्बर जो है वो सेल करके चाहे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उसका यूज होता है। आज हम फॉरेस्ट को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, आप हम उसको रेवेन्यू से ज़्यादा रिलेट न करके इकोलॉजिकल उसकी जो इम्पोर्टेंस है, चाहे वो सॉइल कंजर्वेशन हो, वाटर कंजर्वेशन हो, चाहे वो हमारा माइक्रो क्लाइमेट या क्लाइमेट चेंज वाली बात हो, चाहे जो है वो हमारा जो है वो जो वाटर सेट कंजर्वेशन की बात हो, और कई उसके जो इकोलॉजिकल सर्विसेज वाली जो उसके रोल है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा फॉरेस्ट रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन है वो हमें स्ट्रॉन्ग करने की
बात इसमें आती है और ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस की जरूरत है। जो हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, रूट्स हैं और जो हमारी इकोसिस्टम की अप्रोचेज हैं, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो हेल्दी रहे, मेंटेन्ड रहे और वो जो है बैलेंस रहे। अदरवाइज और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हम लोग जहाँ जहाँ हमने डिस्टरबेंस किए हैं या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जहाँ जहाँ हम लोगों ने हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, वहाँ वहाँ हमने डिजास्टर जो है वो झेले हैं। तो वो डिजास्टर जो है नेचुरल डिजास्टर कम हो या ना हो, उसके लिए हमारा हमें अपने इकोसिस्टम को मेंटेन रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें जो है वो इश्यूज बायोडायवर्सिटी के बहुत सारे हैं। आज बड़े भारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए हैं हर चीज़ के। इसमें जब भी आप, चूँकि अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसमें कई क्वारंटीन इश्यूज हैं, कई जो है और दूसरी तरह के इश्यूज हैं, जो जब भी हम कोई प्लांट मटेरियल बाहर से मंगाते हैं या अपने देश से भेजते हैं, दूसरे कंट्री में कोई इन्वेजिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस ना हो जाए या कोई और किसी तरह का पैथोजन या पेस्ट न चला जाए, उसके लिए क्वारंटीन मेजर्स हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जब बल्क में कोई चीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, तो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स जैसे हैं पर्टिकुलरली या पैथोजन्स हैं, वो थोड़े से उसमें भी एक दो सीड या फ्रूट या कोई ईटेबल या इवन क्लोथ्स के में भी स्पोर्ट्स जा सकते हैं और वो दूसरी कंट्री में बहुत बड़ा एक डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितना हम क्वारंटीन कर सकते हैं और कितना इसे बचा जा सकता है। तो मॉडर्न डेज में ये बड़ी जो है वो दिक्कत आ रही है। तो इस तरह के जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं और जो हमारे इश्यूज हैं वो आते हैं। आप हमें अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें इकोसिस्टम इंफॉर्मेशन सर्विस इस तरह के खोलने की बात हो रही है कि बायोडायवर्सिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से डिसेमिनेट की जाए और जन जन को उसके बारे में इंफॉर्म किया जाए, उसके लिए इकोसिस्टम इंफॉर्मेशन सर्विस हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्पीसीज इंफॉर्मेशन सर्विस की बात हो रही है, प्रोटेक्टेड एरिया रिसोर्स सर्विस की बात है, इन्वायरमेंटल लॉ एंड इंफॉर्मेशन सर्विस की बात है, इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी है। वो इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ गुड्स बट इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। उसकी बात आज लोग कर रहे हैं और उसमें काम भी कर रहे हैं। कंजर्वेशन थ्रू डिजिटल लाइब्रेरीज, अब ये भी हो रहा है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी एट जीन लेवल, उसकी जो है वो डिजिटल लाइब्रेरीज बना दी जाए। आज जो है वो डीएनए तक जो है वो हर स्पीसीज का जो है स्क्रीन किया जा रहा है और डीएनए लाइब्रेरीज, जीन लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं और उसके द्वारा आप किसी भी वन सिंगल स्पीसीज में कितना डाइवर्सिटी है वो जीन लाइब्रेरीज में कंजर्व करके आप देख सकते हैं। तो इस पर जो है वो काम हो रहा है। इम्प्रूव मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें ज़रूरत है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमको जो है लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रह सके। हम अब जो नया हमारा न्यू माइलेनियम है, इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम क्या करें, हमारा क्या रोल हो और किस तरह की स्टेप्स हमको उठाने चाहिए, इसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं। जैसे कंजर्व द इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, क्योंकि आज हम सब लोग नेचर के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम भुगत रहे हैं इन फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। वो जो है नेचर में कम से कम छेड़छाड़ हमको करनी है
डेवलपमेंट भी हो, वो तो होगा ही, विकास तो चलेगा, लेकिन उसमें ये कोशिश की जाए कि नेचर का मिनिमम डैमेज हो, नेचर को किसी तरह का जो है नुकसान ना हो, उस तरह का के डेवलपमेंट की जरूरत है। इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज एंड बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर, जो हमारा नॉलेज है उसको कैसे जो है रिकॉर्ड किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, और बायोडाइवर्सिटी जो फ्यूचर के लिए हमारी हो, क्योंकि फ्यूचर में जो भी जनरेशन आएंगी उनको हम कैसा कल छोड़ेंगे, क्या क्या उनको विरासत में छोड़ेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम रिउंड करके सारी चीज़ें अपनी ग्रीडीनेस के द्वारा सब कुछ नेचर को तहस नहस करके ख़त्म करके चले जाएं और हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको कुछ भी न मिले, तो उस तरह की बात हमको सोचनी पड़ेगी। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो है हमारे उसको चेक करना पड़ेगा, जितना हो सके जो है हम कंजर्व करें स्पीसीज को, और वाटर को हम कंजर्व करें, क्योंकि वाटर जो है जल ही जीवन है, और हर पौधे की ग्रोथ के लिए, हर एनिमल प्लांट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी ग्रोथ के लिए, सबके वेल बीइंग के लिए वाटर प्लेज अ मेजर रोल। तो पानी के जो कंजर्वेशन रख रखाव की बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज की आज बात हो रही है और उसकी वजह से कह रहे हैं, साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो बहुत फास्ट है, और क्लाइमेट चेंज उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जब होता है, जलवायु परिवर्तन जब होगा, तो स्पीसीज शिफ्ट होंगी, जो जहाँ पर जो स्पीसीज ग्रो कर रही है वहाँ पर का इन्वायरमेंट उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, और उसे कई स्पीसीज जो है वो मर जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो वो आस्पेक्ट उस पर हमें स्ट्रेटेजी डेवलप करने की बात है, रिसर्च करने की बात है, एग्रीकल्चर को किस तरह से हम अपना सरसब्ज बनाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है आज हमारे एग्रीकल्चर में, वो है मोनोकल्चर की। हम एक ही वैरायटी पे जा रहे हैं, नैरो डाउन करके हमने सिलेक्शन कर करके आपने सिलेक्शन को इतना नैरो कर दिया है कि व्हीट या राइस या जो शुगर केन है उसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन वाली वैरायटीज हैं हम उन्हीं को लगा रहे हैं, और उससे फ्यूचर में ये डर बना रहता है कि बाई चांस अगर कोई एपिडेमिक आए, कोई उसमें मेजर जो है पेस्ट या पैथोजन का अटैक हुआ, तो आपका इंटायर जर्मोप्लाज्म विल बी लॉस्ट एंड यू विल हैव नथिंग टू ग्रो एंड टू ईट। तो उसके लिए जो है हमारा ब्रॉड जेनेटिक बेस होना बहुत ज़रूरी है, हमारा जर्मोप्लाज्म कंजर्व रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, ऐसा कोई डिजास्टर आता है, तो हम उसके लिए तैयार रहें और हमारे पास ऑल्टरनेट वैराइटीज जो है वो साइड में रहें। इसलिए जो हमारा इंडिजिनस हमारी क्रॉप्स एंड वैराइटीज हैं उनको भी साथ साथ में उगाना, उनको साथ साथ में कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो हम मोनोकल्चर पे ज़्यादा जोर न दें, हम जो है या बहुत स्पेसिफिक वैराइटीज पे ही ज़्यादा अपने को फोकस न करें, इसको ध्यान में रखना होगा आगे के एग्रीकल्चर के लिए। और क्लाइमेट चेंज के परिपक्ष में हमें ऐसी जर्म प्लान को स्क्रीन करना होगा जो कि वाटर लॉग कंडीशन के लिए या ड्राउट के लिए या हाई टेम्परेचर के लिए या लो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव ना हो, रेसिस्टेंट हो, ताकि जो भी हमारी जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं या केमिकल स्ट्रेस जो हमारे हैं, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है उसके लिए, या सैलिनिटी टॉलरेंस है, या सेलेन एल्काइन कंडीशन में ग्रो करने वाली बात है पौधों की, या उसर सॉयल में ग्रो करने वाली बात है, तो ऐसी वैराइटीज हमको डेवलप करनी होगी, स्क्रीन करनी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी जो इन सब स्ट्रेसेस को झेल सके। बायोटेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और ये बहुत बड़ा टूल है, जो 21st सेंचुरी हमारी है वो माना जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि हम टेलर मेड
प्लांट्स कैसे बनाए, मतलब हम जो चाहते हैं वो उस तरह की वैरायटी, उस तरह का प्लांट, उस तरह का एनिमल हम कैसे बना सकते हैं, इस पर जोर दे रहे हैं। और पहले जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग सिस्टम था उसमें केवल लिमिटेड ही क्रॉसिंग हम कर सकते थे, आज जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम एनिमल से प्लांट में और प्लांट से एनिमल में भी जीन ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और ये बड़ा फ्यूचर जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी में है, और ऐसी वैरायटीज अब हम डेवलप कर पाएंगे जो कि बहुत ही रेसिस्टेंट होंगी डिफरेंट स्ट्रेसेस के लिए और बहुत फ्रूटफुल होंगे। आज आपके पास बीटी फॉर एग्जांपल कॉटन की बात अगर हम करें तो एक जीन ने, बीटी जीन ने इतना बड़ा मिराकल कर दिया है जिसका कि आपको इससे अंदाज आ जाएगा कि पहले जो थे आज से 10 साल पहले लगभग जो है हाफ ऑफ द टोटल पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर्ड इन अवर कंट्री वाज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द वॉल वॉर्म पेस्ट ऑफ दिस कॉटन, एंड हाउ मच पेस्टिसाइड यूज्ड टू बी डंप्ड इन द कॉटन फील्ड्स दैट यू कैन इमेजिन। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन द इंटायर lot of that pesticide is now completely stopped. Farmers earlier they used to commit suicide because of this bollworm. It was devastating at places. The entire crop used to be lost and farmers they were unable to pay back the bank loan, and that's why they used to commit suicide. And there were lot of cases from central India and western India, which are our cotton growing areas, where farmer used to commit suicide. Now, after introduction of this BT cotton, now the cotton production is so high that today we don't have enough infrastructure to process our cotton in India, and we used to send it to Pakistan for processing. And hardly there is any case of farmer suicide after that. तो एक छोटा सा जो जीन है वो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन कर सकता है, इस तरह की अब कई वैराइटीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, जो कि जैसे गोल्डन राइस की बात हो रही है तो उसमें जो है विटामिन ए भी होगा, विटामिन डी भी होगा, आयरन भी होगा, तो भात खाने से जो है वो सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह के और भी कई क्रॉप्स हैं जो हम फ्यूचर में वी कैन विजुलाइज। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा हमारा जो है वो टूल है, सब्जेक्ट है, जिसमें कि हम नए नए ऑर्गेनिज्म अब डेवलप करेंगे। डेमोग्राफिक्स एंड कंजम्पशन ये एक पार्ट है जिसपे कि हमें सोचना है हमारी डेमोग्राफी क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, और उसके हिसाब से हमें टारगेट फिक्स करने होंगे कि कितना हमको क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए, कितना हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए ताकि कोई आदमी भूखा ना सोए। हमारे रिसोर्सेज डिमिनिश हो रहे हैं, उनको हमें बचाना होगा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ जो है ध्यान देना होगा। मैरीन एंड जो कोस्टल हमारा इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव करना होगा, कंजर्व करना होगा, ये हमारा जो है मेन फोकस होंगे। और 2010 की का जो ईयर था वो बायोडाइवर्सिटी ईयर हमने मनाया है। आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है। और बच्चों, इन नेट सेल मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है अपनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचें और उसको कंजर्व करने की हमेशा बात अपने ध्यान में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यूसर का धन्यवाद अदा करता हूं, और आप मुझे यहां पर आने की अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नोडियाल जी। आज आपने जो इतनी सारगर्भित और वैज्ञानिक जानकारी हमारे बच्चों को दी ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने क्षेत्र में अप्लाई करें, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो,
और वो क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा और फौना कंजर्व रह सके। विशेष रूप से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वो कम्युनिटी लेवल पे उस काम को कर सकते हैं, स्टूडेंट लेवल पे कर सकते हैं, अपने स्कूल्स में कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस के द्वारा उस चीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आपने जो आज महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बच्चों को यूसर के माध्यम से दी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।